आप सभी, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और शादी के बाद आपके खूब सारे बच्चे होंगे। तब मालिक देखिए, अभी हम आए हुए हैं लाल किला घूमने के लिए। दिस इज लाल किला, यू कैन सी लाल लाल, दैट वाइज इसने भी लाल किला। और आप देखिए बहुत ही बेहतरीन किला, पर कौन बनवाया था पता नहीं, इतिहास बहुत कमजोर हमारी, तो जाके गूगल सर्च कर लेना, बाकी तुम बस दिखाएंगे चीज़ों को। और ये देखो अभी हम आए हुए हैं कहाँ से, जीटीबी, माफ़ करना दोस्त, दिल्ली आए हुए हैं पहली बार, हम क्या जाने, जीटीबी नगर से हम मेट्रो पकड़ के आए हुए हैं यहाँ चांदनी चौक ही था शायद, हाँ चांदनी चौक, फिर वहाँ से हम आए हुए हैं यहाँ पर। और ये देखिए कितना लाल लाल पत्थर से पूरा बना हुआ है। अभी हम बाहरी भाग में हैं और यहाँ पर आने के बाद यहाँ टिकट लेना पड़ता है, क्या बोल सकती है, ऐसा लग रहा है कि लोग ब्लॉग बनाते हुए देखे नहीं है मालिक, आई एम ब्लॉगर ब्रो। चलिए जा रहे हैं अंदर की ओर, वहाँ तो गोला सोला फूल रखा हुआ है, सब दिखाता हूँ, देखते हैं इसमें क्या है, क्योंकि भाई ताजमहल का तो हम अनबॉक्सिंग कर दिए हैं, आज मैं लाल किला का अनबॉक्सिंग करेंगे। तो फिलहाल चलिए वहाँ चलते हैं, वहाँ मालिक टिकट मिली, टिकट तो टिकट लेवल जी ओकरा बाद चल जी, कुल पर्यटक बहुत आदमी घूमे कुल। देखिए हम टिकट ले लिए हैं, एक टिकट आपको मालिक 80 रुपये का पड़ा है और अभी जा रहे हैं। देखिए हम लोग भीतर अंदर प्रवेश कर चुके हैं, यही है लाल किला की दीवारें, इतनी लाल लाल हैं इसीलिए इसको लाल 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 किला कहा जाता है। इसको बनवाया था अकबर जहांगीर, कोई बनवाया होगा, देख लेना यार, इतिहास कमजोर था हमारा, बस हम आ गए हैं तुम्हें दिखाने के लिए। ये देखो यहाँ गहराई है बहुत ज़्यादा मालिक, इसमें लगता था पानी भरता था, ये स्विमिंग पूल था, उस पर से चढ़ के कूदता था, इसमें नहाता था। यह देखिए इसका प्रवेश द्वार, यहाँ से प्रवेश किया जाता है। और यह है तोप का गोला, तोप है जो यहाँ, इसमें पीछे से तोप भर के दुश्मन के जो है कहाँ, समझ रहे होंगे आप लोग जो कहना चाह रहे होंगे, उसको मार ली जाती थी। अरे भाभी तो पिछवा फोटो खिंचवा रही मालिक। और ये पुरानी पुरानी दीवारें, कबूतर कबूतरी गुटर गु कर रहे हैं यहाँ छोटे छोटे हैं, सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये देखिए इसका आप आउटर व्यू, ये जो जगह दिख रहा हो ना, यहीं से प्रधानमंत्री जी खड़े होकर झंडा फहराते हैं। हालांकि आपको ये चीज़ बताना है कि 26 जनवरी को कौन फहराता है और 15 अगस्त कौन फहराता है, इसको कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों को तो शायद जानकारी भी नहीं होगा इसलिए हम बता दिए, दोनों लोग अलग अलग फहराते हैं, एक दिन प्रेसिडेंट एक दिन प्राइम मिनिस्टर, तो आपको बताना है कि कौन फहराता है। देखिए अगर आप छोटे मोटे अपने बच्चे लेके आते हैं आंटी, तो आपके लिए वो चश्मा उश्मा खरीद सकती हैं, उसके लिए बेबी के लिए पहन के घूमेगा। और अगर आपकी गर्लफ्रेंड आती है तो उसको झुमका दिला दीजिएगा, वाइफ आती है तो झुमका दिला दीजिएगा, वाइफ आएगी तो उसके लिए पर्स दिला दीजिएगा मालिक, सब व्यवस्था है। यहाँ देखिए यहाँ कैमरा रिपेयरिंग वगैरह, मतलब अंदर में भी यहाँ पर जो है स्टॉल्स वगैरह लगाने की सुविधा है, आप लगा सकते हैं, देख सकते हैं। और ये इसका आर्किटेक्ट देखिए क्या नया है इसमें, हमको नहीं पता, बस मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर स्टॉल वगैरह है, आधा तो झुमके बेच रहे हैं खाली, पर बैंगल्स है, चूड़ी उड़ी अपनी वाइफ को दिला दीजिएगा अगर दिलाना होगा तो। तो गुरु देखिए हम लोग आ गए हैं अंदर की तरफ लाल किला के, ये अंदर का दृश्य है, आप देख सकते हैं अंदर कुछ इस प्रकार का दिखता है, जो बाहर जो देख रहे हैं ना कोई, वही लाल किला मेन है, मतलब लाल लाल पत्थर पत्थर का जो दिख रहा है आपको वही है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है म्यूजियम, इसमें पूरा मतलब त्रिशूल बाला साला यही सब रखा हुआ है, और कुछ लाल किला के बारे में होगा, कुछ जो हमारे 1857 की क्रांति में जो महान योद्धा जो वीर योद्धा थे उनके बारे में लिखी गई हैं। ये बहुत ने सारे पर्यटक कुल देखे आए हुए, और साइड में इसी में देखिएगा ये जो है ना ये फूड कोर्ट है, यानी मान लीजिए आप आते हैं खा थक जाएंगे ना घूमते फिरते, तो खाने पीने की भी तो व्यवस्था होनी चाहिए। सो अभी हम लोग देखिए अंदर जा रहे हैं, और अंदर ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसमें अकबर जो बैठ गए वहाँ, इसका इसका नाम है दीवाने खास, आप लोग सुने भी होंगे पढ़े भी होंगे इतिहास में, दीवाने खास यही है दीवाने खास, इसमें बैठ के 2-4 दस्तों को बैठा लेता था अपना, वो सभा में बैठ के मीटिंग करता था कि हाँ आज यहाँ नया काम होगा, और दिल्ली में ये काम होगा, नॉर्थ दिल्ली में ये काम होगा, उदयपुर में चढ़ाई करना है, इससे लड़ना है उससे लड़ना है, यही सब यहाँ बैठ करता था। और कुछ लोग की मजबूरियाँ और दुख भरी, आप ये देखिए यही है क्या बोलते हैं दीवाने खास, ये पीछे आप देख सकते हैं दीवाने खास है, जिस पर अकबर जी बैठ कर प्रजा को हाँकते थे या फिर जो भी बातें कहते थे कि तुम लोग ये मत करो वो मत करो, यहाँ जाकर ऐसा नहीं करना है वैसे नहीं करना है, दिल्ली में ये बनवा दो, उदयपुर में महाराणा प्रताप हैं तो उनसे लड़ाई करने नहीं जाना है, हम भाई यही बैठे रहेंगे, तो यही सब खाली कथा बाँचते थे, यहाँ से कथा बाँचते थे, बस वही सब चीज़ें हैं। और सामने आप देख सकते हैं ये बड़ा सा गार्डन है जिसको ये जाकर टहला करते थे, और टहलने के लिए इनके लिए पार्क बना हुआ था, एक स्पेशल पार्क है दोनों तरफ से, तो ये पार्क है, ये नक्काशी आप देख सकते हैं,
और बस बढ़िया है यार, क्या ही दिखाएं इसको। अभी शीशा में पैक कर दिया गया ताकि इसको बर्बाद न करे। आपको पीछे से इसको दिखाता हूँ। हम जैसे लोग जो हों कौचट आदमी इसको बर्बाद न करें, खाली दूर से देखते रहें। तो यही है दीवाने खास। आप जैसे ही थोड़ा अंदर आओगे ना लाल किला के अंदर, तो देखो यहाँ पर शुद्ध पेयजल और वॉशरूम बना हुआ है। तो जिसको जाना वगैरह होगा, जिसको इमरजेंसी होगी नॉन कंट्रोलेबल, तो अकबर ने यहाँ बनवाया है, जाके यहाँ शौचालय का प्रयोग कर सकते हैं आप। और ये देखिए यूए को बिल्डिंग बनवाया है, क्या है मालिक, इसके बारे में रुकिए पता करूँ पहले। तो गुरु देखिए इसके बारे में जो अभी आपको दिखाए ना, इसके बारे में अभी यहाँ से पढ़ के जानकारी प्राप्त हुई है कि ये मुमताज महल था जिसको शाहजहाँ ने बनवाया हुआ था। शाहजहाँ कौन था आपको पता ही होगा, अकबर का बेटा। मतलब अकबर का बेटा इतना नालायक था कि यही कुल बनवा के फर्जी में पैसा बर्बाद करता था मालिक का। अभी तो घूम रहे हैं, अभी तो अंदर पूरा घूमेंगे, उसके बाद दिखाएंगे लाल पत्थरा संगमरमर का पत्थरा लगा के क्या नया ही बनवा दिए हैं, इसको हम देखते हैं और लास्ट में आपको रिव्यू देंगे। तब तक पूरा बने रहिए, देखते रहिए। ये देखो भाई ये रंग महल है, रंग महल के बारे में कुछ लिखी गई है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए बढ़िया से, एक बार पॉज किए हुए हैं क्या है, ठीक है। ये नहर है बिस्त है, नहर है बिस्त, पढ़ लीजिए पॉज करके। और यही नहर देखिए निकलती थी, इसी नहर में जाके वहाँ पता नहीं क्या क्या करता था भाई, कुछ समझे नहीं आ रहा, यही है। और इसके सामने ये हमको सही बताया था, हमको लाल किला कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा। यही एक दरवाज़ा जो देख सकते हैं, ये गेट है जिसके द्वारा ये आगरा का लाल किला और ताजमहल से निकल जाएंगे आप सीधे। हालांकि इसको बंद कर दिया गया है तो हम लोग नहीं जा सकते, वरना हम चल लेते ताजमहल दिखाने आपको। यह खास महल, ये खास महल आप देख सकते हैं, इसमें क्या खास बात है चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं। आइए तो गुरु आप देख सकते हैं ये है मोती मस्जिद जिसका निर्माण औरंगजेब ने अपने पर्सनल यूज के लिए बनवाया था। मतलब इतना वो था भाई, शौकीन था कि अपने पर्सनल यूज के लिए मस्जिदें बनवाया था। शाहजहाँ के ये लाल किले में बनवाया था और यहाँ पर जाके इबादत करता था। मतलब जो भी वो लोग करते हैं ना मस्जिद में क्या करते हैं, तो यही है मस्जिद और उसके बारे में वहाँ लिखा भी गया है। आप लोग आइएगा तो कहीं पढ़ लीजिएगा। अब फिलहाल चलते हैं आगे। अभी हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ पर आपको लाल किला के अंदर ये कुआं देखने को मिलेगा। इसका निर्माण कौन करा था इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, हालांकि ये पूरा भर गया है, कचड़ा भर गया है। कुआं देखने के लिए आए हुए थे, अब जा रहे हैं नीचे। अब इसके बारे में हम क्या नया बताएं, अभी कुआं के बारे में हम क्या विशेषता बताएं, क्या विश्लेषण करें, कुछ नहीं कर सकते। बस कुआं दिखाना था, दिखा दीजिए। अब चलेंगे वहाँ, दो चार और पत्थर का बनाया है उसको भी दिखा देंगे और क्या। तो गुरु देखिए इसमें आपको देखने को मिलेगा, ये है सावन और भादो मंडप। और ये जो देख रहे हैं ये नहर थी छोटी सी, इसमें पानी सप्लाई होता था। यहाँ पर जितनी अधिकतर हैं सब संगमरमर से बनाई गई हैं और लगभग सब सेमी आर्किटेक्ट है। हालांकि थोड़ा बहुत दिखा दे रहे हैं, ये सावन भादो मंडप पर ब्याह शादी होता था और कुछ इसमें खास बात तो नहीं है, बस यही सब चीज़ें हैं। और चलिए बाहर चलते हैं, बाहर का दृश्य दिखाते हैं आपको। तो फिलहाल आप देख सकते हैं अभी हम लोग आए हैं म्यूजियम में। ये 1857 की जो पहली क्रांति हुई थी वो म्यूजियम है, इसके बारे में पूरी यहाँ जानकारी दी गई है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको पूरी चीज़ें, नई नई चीज़ें आपको दिखाते हैं। 1857 का युद्ध सबने मिलकर लड़ा था, राष्ट्रीय स्तर पर लड़ा, यह युद्ध भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए था। तो देखिए अभी हम लोग म्यूजियम के अंदर हैं और आप देख सकते हैं जो पुराने जो युद्ध लड़ा गया था 1857 की, वो सारी चीज़ें यहाँ रखी गई हैं संभाल कर। जैसे यहाँ स्वॉर्ड देख सकते हैं, ये गुप्त संदेश कैसे दिया गया था, ये एरो वगैरह है जो घोंप दिया था पिछवाड़े में, सरू भागते थे। मतलब बहुत वीर बहादुर थे हमारे जो लड़े थे। हाई देखला ये हारा नहीं से पाउडर लगा तला मालिक बहादुर राजा पर। ये न्यूज़पेपर आप 1857 आप देख सकते हैं कैसा न्यूज़पेपर दिखता था, कुछ इस प्रकार का दिखता था। और पहले का न्यूज़पेपर देखिए, आपका न्यूज़पेपर देखिए, कितना अंतर आपको देखने को मिलेगा। यही सब सारी चीज़ें हैं यार म्यूजियम में देखने को। और बहुत ही जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, कैसे लोग किए थे, शोषण होता था, दमन होता था, वो सारा चीज़ें देखिए लिखा गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जमींदारी सिस्टम सारा चीज़ों के बारे में बताया गया है और मतलब काफ़ी बेहतरीन है। जैसे थोड़ा बहुत तो मैं अभी दिखा देता हूँ हल्का फुल्का, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब इसको सोच रहा हूँ थोड़ा फास्ट कर देता हूँ और जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। और जब आप लाल किला में जाइएगा तो इसको म्यूजियम को भी देख लीजिएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप टिकट कटवाइएगा ना तो आपके पास दो ऑप्शन होता है, या तो आप लाल किला का केवल टिकट लीजिए, तो जब आप लाल किला का लीजिएगा तो केवल लाल किला का ही देखिएगा। लेकिन अगर आप दोनों लीजिएगा, लाल किला प्लस म्यूजियम, तो दोनों देखिएगा। ये जो लूट मतलब क्या डॉक्टर आइन अपलैप जो लॉर्ड डलहौजी जो शुरू कर दिया था, जो सब
बच्चा अच्छा जिसका होता था उसी को मिलता था, नहीं तो नहीं मिलता था। मतलब पढ़े होंगे ना ये सब चीज़ों के बारे में, तो वही सब चीज़ें हैं, नीतियाँ हैं उसके बारे में लिखी गई हैं, पढ़ी गई हैं। और क्या दिखाऊँ, ये सब योजना वोजना है यार, उसको आगे बढ़ाऊँगा अब तेज़ी से। देखो बहादुर शाह जफर, यही देखिए पहन के घूमता था वो बहादुर शाह जफर, लड़कियों का कपड़ा पहन घूमता था भाई, क्वीन स्कर्ट, अच्छा महारानी ये स्कर्ट पहनती थी, इतना लग रहा है कि वो बेचने वाली कुल इतने बढ़िया पहनती थी माली, काहे की रानी थी। दिल्ली पर कब्जा। तो आइए गुरु अब भोजन किया जाए, भूख बहुत चाप के लगी है। मालिक लाल किला में ऑर्डर किए हैं, साला बहुत महंगा बिल बनाया है, कितना 600-700 का तो बिल बना दिया, खैर चाप के जाऊंगा एक नंबर। गुरु देखिए फिलहाल अभी लाल किला घूम के हम आ गए, जो चीज़ें थी आपको दिखा दिए, लाल पत्थर पत्थर संगमरमर यही सब यूज करके बनाया था, कहा दिखा रहे ब्लॉग नहीं दिखा बनाते हुए, तो खैर ठीक है यही सब था आपको जो दिखाना था दिखा दिया, अब चलिए कहीं और चलते हैं घूमने के लिए, वहाँ जाएंगे वो चीज़ें भी इंक्लूड करेंगे। और फिलहाल उतना कुछ खास हमको लगा नहीं, खाली मार्बल सार्बल बनाया है, इबादतें खाना ये वो हेन तेन खाना आना खाना यही कुछ बनाया है, तो वह देखने के लिए आप 60-70 रुपये का टिकट करिए। हालांकि ठीक है जाइए, लंबा अगर आते हैं कभी तो जा सकते हैं, बढ़िया खाना पीना वही खाएं। तो दोस्त देखो अभी हम आ गए हैं BHU कैंपस वापस, बनारस आ चुके हैं, हालांकि इसका अपडेट हम आपको नहीं दे पाए थे क्योंकि जल्दी जल्दी में दिल्ली से वापस आ गए, तब बनारस आ गए हैं, तब बनारस घुमाएंगे, घाट घुमाएंगे, फिर से नया नया ब्लॉग बनाएंगे, फॉरेनर अंग्रेज जो भी मिलेंगे सबके साथ वीडियो बनाया जाएगा, मजा करने वाले हैं, तब बस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, करवा दीजिएगा, बाकी प्यार बांटते रहिए, लव यू।